हाय नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करना चाहते हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब के अंदर, तो आपको सबसे पहले वीडियो शूट करना होगा। देन वीडियो शूट होने के बाद आपका जो मेन काम वो है एडिटिंग। अगर आप ठीक ठाक से प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग नहीं करोगे ना अपने वीडियो, तो आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा, आपका वीडियो घंटा भी वायरल नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा एकदम इजी भाषा में, वो भी काइंड मास्टर एप्लीकेशन से। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे ना, मैं चैलेंज करता हूँ आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले आप काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, एंड ओपन करने के बाद देखो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्रिएट न्यू, इसका माध्यम से दोस्तों आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पे नीचे गाइस आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा, जितने भी सारा आपने वीडियो एडिट करोगे वो सारे वीडियो गाइस यहाँ पे शो हो जाएगा, ताकि आप बाद में भी उसको एडिट कर सको। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले आपका जो मेन वीडियो, उस मेन वीडियो को आपको इंपोर्ट करना होगा काइंड मास्टर के अंदर। तो वीडियो इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले रेशियो सिलेक्ट करना होगा, आप किसके लिए वीडियो एडिटिंग करोगे, यूट्यूब के लिए करोगे या फिर टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम के लिए। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब के लिए करूंगा, तो मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक कर दिया। नीचे आएगा क्रिएट की ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देखो मीडिया ओपन हो गया, आपके फोन के अंदर जितना भी फोटोज वीडियो है यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस आप क्या करना, आपका जो मेन वीडियो जो आपने शूट किया वो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना कुछ इस तरीके से। तो सारे के सारे वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद आपका जो मेन वीडियो है उसके अंदर जो बेकार पार्ट है उसको आपको डिलीट करना है। तो ये देखो ये मेरा रॉ वीडियो है, इसको अभी हम कट करेंगे जो पार्ट पूरा बेकार है। जैसे अभी आप लोग देख सकते हो मेरा जो वीडियो, ये मैंने क्या किया, सबसे पहले कैमरा को ऑन किया, कैमरा ऑन करके मैंने चेयर पे बैठा, उसके बाद दोस्तों मैंने वीडियो यहाँ से स्टार्ट किया। तो गाइस मैं कैसे सामने वाला पार्ट को हटाऊंगा आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो वीडियो है जहाँ से आपने सही बोला वहाँ पे आपको ये जो देख रहे हो लाइन, ये लाइन आपको वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, रेड लाइन वहाँ पे लेके जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसी क्लिप के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ट्रिम एंड स्प्लिट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पे आएगा ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम राइट, यहाँ पे देखो स्प्लिट। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रिम लेफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो मेरा सामने वाला पार्ट यहाँ से हट गया। तो ऐसे ही मान लो आप अपने वीडियो का बीच से कोई पार्ट को रिमूव करोगे, मतलब कट करोगे, तो कैसे करोगे। मान लो ये जो वीडियो, ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हो, ये बीच वाला है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक खराब है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से इसी क्लिप के ऊपर क्लिक कर देना है और किसी के ऊपर आना है, एंड यहाँ पे देखो मिलेगा स्प्लिट का ऑप्शन। ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। देन जहाँ से आपने फेस से सही बोला वहाँ पे आपको लेके जाना होगा ये दाग को। देन यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखो ट्रिम स्प्लिट, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखो ट्रिम लेफ्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लिक करके सामने वाला पार्ट को यहाँ पे हटा देना। बस इस तरीके से दोस्तों आप लोग कट कर सकते हो। ऐसे ही मान लो गाइस मुझे पीछे वाला पार्ट को मुझे हटाना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रिम राइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे क्लिक किया तो देखो पीछे वाला पार्ट हट गया। तो अभी आपको अपने वीडियो को कलर ग्रेडिंग करना है। तो देखो ये कलर ग्रेडिंग आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहले कर लोगे ना तो मेरे हिसाब से बेटर होगा। तो वीडियो को कलर करने के लिए आपको आपका जो वीडियो है उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने बहुत सारा यहाँ पे टूल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके सामने दो टूल्स मिलेगा, एक है फिल्टर और यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट। तो गाइस आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो अपने वीडियो के अंदर, बहुत सारे यहाँ पे देखो फिल्टर है, आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो, लेकिन मेरे को ये ठीक नहीं लगता है। मैं क्या करता हूँ, मैं गाइस मैं अपने हाथों से कलर करेक्शन करता हूँ। यहाँ पे देखो फिल्टर के नीचे एक एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स आता है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, वाइब्रेशन, ठीक है, बहुत सारे सेटिंग्स है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने वीडियो को कलर करने के लिए सबसे पहले ये जो देख रहे हो वाइब्रेशन, ठीक है, इसको मैं फुल करता हूँ। इसको फुल करने से क्या होता है, जो पीछे जो कलर है ना वो पूरा एकदम पूरा मक्खन लगता है देखने में, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसको अगर मैं यहाँ पे कम करूंगा देखो व्हाइट हो गया, और इसको अगर मैं यहाँ पे 100 करूंगा तो देखो कुछ ऐसा हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, वाइब्रेंस को यहाँ पे फुल करता हूँ। तो वाइब्रेंस फुल करने के बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले मिलता है ब्राइटनेस, आप अपने वीडियो के हिसाब से ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में हल्का सा इंक्रीज करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे और भी सारे यहाँ पे सेटिंग्स है जो कि आप लोग कर सकते हो अपने वीडियो के हिसाब से। तो कलर ग्रेडिंग करने के बाद अभी आपको अपने वीडियो के अंदर ट्रांजेक्शन इफेक्ट यूज करना है। अगर अपने वीडियो के अंदर ट्रांजेक्शन इफेक्ट यूज करोगे ना तो यकीन मानो अपने वीडियो के अंदर चांद चांद लग जाएगा। जैसे मेरा वीडियो के अंदर होता है, कोई भी क्लिप अगर चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक इफेक्ट शो होता है एंड साउंड के साथ, तो यार देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाना काफी ज्यादा सिंपल है, आप जस्ट वीडियो को ध्यान से देखो। यहाँ पे मान लो गाइस मैं यहाँ पे एक इफेक्ट लगाऊंगा ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ गया माइनस का। ठीक है, मैंने यहाँ पे कट किया था, स्प्लिट किया था, तो इसीलिए यहाँ पे एक माइनस के ऑप्शन आ गया। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा
तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट आ गया। कुछ यहाँ पे प्रीमियम है, कुछ गाइस यहाँ पे फ्री है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट यहाँ पे लगा दूंगा, जो कि देखो कितना कूल लग रहा है, वाओ। सो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और भी ज्यादा ट्रांजेक्शन इफेक्ट डाउनलोड करूंगा, वो भी कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस देखो, आपको नीचे जाना होगा एंड जाने के बाद देखो यहाँ पे गेट मोर है, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट आ गया। आप फ्री वाला आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो अपने वीडियो के अंदर। तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट यूज करने के बाद अभी आपको वीडियो और फोटो लेयरिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये काइनमास्टर एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो ये फेसबुक एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पिछला वीडियो है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने वीडियो के अंदर मतलब पूरा अट्रैक्टिव बना सकते हो, एंगेजिंग बना सकते हो। तो ये सब कैसे करोगे, ये सब काफी ज्यादा सिंपल है, एकदम काफी इजी है। तो उसके लिए आपको उसी लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे आप कुछ भी दिखाओगे। सपोज मान लो मैं यहाँ पे फेसबुक का इमेज को दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे दिखाऊंगा देखो ध्यान से, यहाँ पे एक लेयर के ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पे एक मीडिया का ऑप्शन आएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप जो भी चीज दिखाना चाहते हो, कोई भी इमेज आप लोग दिखाना चाहते हो, उसको आप क्या करना यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अभी आपको क्या करना है, उस इमेज को आपको छोटा करना है। जैसे ये जो इमेज देख रहे हो फेसबुक का, इसको हम ऐसे करके छोटा कर लिया, ठीक है, उंगली से छोटा कर लिया। तो छोटा करने के बाद आप लोग अपने उसी जगह पे रख देना एंड रखने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इन एनिमेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे एनिमेशन आ जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगेगा आप ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ से पॉप को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ। देन ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजल्ट कितना अच्छा लगता है, यहाँ पे आप लोग देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो फेसबुक शो हो गया। एंड गाइस अभी आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग वीडियो लेयरिंग कर सकते हो, सिंपल सा प्रोसेस वही है। और देखो आप लोगों को अभी मैं सिखाऊंगा कैसे आप लोग स्किन रिकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई कई वीडियो के अंदर मेरा, मैं एक साइड में सिखाता हूँ और एक साइड में स्किन रिकॉर्डिंग होता है पूरा लाइव। तो वो सब आप लोग कैसे ऐड कर सकते हो अभी आप लोग ध्यान से देखो, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आपको जाना होगा लेयर के ऊपर। लेयर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा मीडिया का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सबसे पहले आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना वो ऐड कर लेना। तो यहाँ पे देखो मैं ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अभी आपको क्या करना है, उसी लोकेशन पे लेके जाना है जहाँ पे खाली जगह है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद आपको फिर से लेयर के ऊपर जाना होगा। देन यहाँ पे मीडिया के ऊपर जाके एक आपको मोबाइल का PNG को डाउनलोड करना होगा, ठीक है, ये आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आपको क्या करना है, कुछ ऐसे आप लोग फिट कर देना। आप लोग अगर अच्छे से करोगे तो पूरा बेटर होगा। फिट करने के बाद आप लोग क्या करना है, इसी चीज को यहाँ से ड्रैग करके मोबाइल PNG को उसका हिसाब से रख देना, ठीक है, मतलब उसका बराबर यहाँ पे रख देना। देखो यहाँ पे मेरा वीडियो हो रहा है और साइड में देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा सकते हो और सेम प्रोसेस से आप लोग कोई भी वीडियो को लेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस देखो अगर आप अपने वीडियो को कितना भी अच्छे तरीके से एडिटिंग कर लो, लेकिन उसके अंदर अगर आप साउंड इफेक्ट नहीं लगाओगे ना, तो गाइस आपका वीडियो प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनेगा, लोगों को मजा ही नहीं आएगा। जैसे मैं आपको सिखाया कैसे आप लेयरिंग करोगे, फोटो वीडियो कैसे लेयरिंग करोगे मैं आपको सिखा दिया। सो वहां पे अगर आप साउंड इफेक्ट लगाओगे ना तो एकदम पूरा चांद चांद लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाया, ये है फेसबुक, और देखो यहाँ पे साउंड के साथ यहाँ पे फेसबुक आया, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अगर नॉर्मली यहाँ पे फेसबुक आएगा तो मजा नहीं आ रहा है। तो कैसे आप लोग साउंड इफेक्ट लगाओगे एकदम सिंपल तरीके से देख लो। तो साउंड इफेक्ट लगाने के लिए आपको सबसे पहले साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड जब कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपको ना जहाँ पे आप साउंड इफेक्ट लगाओगे, जैसे ये जो लेयरिंग हुआ ना यहाँ पे मैं साउंड इफेक्ट लगाऊंगा जो की आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बिना साउंड इफेक्ट का देखो कैसा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे साउंड इफेक्ट लगाऊंगा तो देखना यार कितना अच्छा लगता है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक कर दिया एंड क्लिक करके मैं सबसे पहले आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये दाग को लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना होगा ऑडियो के ऊपर। आप लोग चले जाना फोल्डर के ऊपर एंड देखो यहाँ पे मेरा डाउनलोड पे देखो यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट है, ठीक है, माउस क्लिक। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूं, ठीक है। तो ऐड कर लिया मैंने इसको। तो ऐसे दोस्तों आप लोग क्या करना, इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूं, ठीक है, मेरा यहां से साउंड इफेक्ट हुआ। अभी आप लोग देखना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको साउंड इफेक्ट लगाना होगा। अगर साउंड इफेक्ट नहीं लगाओगे तो यार अच्छा नहीं लगेगा देखने में। दोस्तों अगर आप अपने ऑडियंस को कुछ लिख के दिखाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शुभपाल78, या फिर कुछ भी लिख के आप लोग दिखाना चाहते हो, तो गाइस आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होगा काइनमास्टर के माध्यम से। तो टेक्स्ट लिखना काफी ज्यादा सिंपल है। आपको बस क्या करना है, आपको जाना होगा लेयर के ऊपर एंड यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट के ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने कीबोर्ड ओपन हो जाएगा।
तो आप लोग जो भी चीज लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर मिलेगा ओके, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे देखो आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जाना होगा फॉन्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉन्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारा फॉन्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। आपका जो भी पसंद आएगा आप यहाँ पे ऐड कर लेना। तो ये वाला फॉन्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना होगा नीचे। नीचे जब जाओगे तो गाइज आपको यहाँ पे मिलेगा कलर, यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हो फॉन्ट का। देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया व्हाइट से, गाइज यहाँ पे देखो रेड हो गया। एंड यहाँ पे देखो और भी बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे देखो आउटलाइन, अगर आप लोग इसको ऑन करोगे तो देखो साइड से यहाँ पे आउटलाइन हो जाएगा ब्लैक ब्लैक। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग आउटलाइन बना सकते हो और इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे दोस्तों आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल है। तो टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो के अंदर मैं कुछ दिखा दिया या फिर मेरा कोई भी प्राइवेट चीज यहाँ पे वीडियो के अंदर शो हो गया तो उसको ब्लर करना है, तो वो ब्लर भी आप लोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस नंबर को मैंने ब्लर करके रख दिया, तो ऐसा भी इफेक्ट आप लोग लगा सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल है। तो गाइस देखो यहाँ पे मैं एक कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन करके रख दिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो बाय चांस मान लो ये मेरा वीडियो के अंदर शो हो गया, तो ये तो मेरे को ब्लर करना होगा ना। तो ब्लर कैसे करूंगा और आप लोग कैसे करोगे ध्यान से देखो, आपको जाना होगा यहाँ पे लेयर के ऊपर। लेयर के ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे मिलेगा इफेक्ट के ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये क्या आएगा, बेसिक इफेक्ट, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने दो इफेक्ट आएगा, एक गॉसियन ब्लर और गाइस देखो यहाँ पे और एक ब्लर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करना, गॉसियन ब्लर को यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐड जब करोगे तो गाइस देखो ये जो देख रहे हो ब्लर का ऑप्शन, ये आप लोग क्या करना, हाथ से ड्रैग करके छोटा करना, एंड छोटा करके जहाँ पे आप रखना चाहते हो, बाय चांस मान लो ये मेरा लीक हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख दिया ओके ब्लर को। तो रखने के बाद देखो यहाँ पे पूरा ब्लर नहीं हुआ। पूरा ब्लर करने के लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो गाइस देखो यहाँ पे लेंथ आएगा ब्लर का, तो इसको आप लोग जितना यहाँ पे लेके जाओगे उतना गाइस यहाँ पे ब्लर होते जाएगा, देख सकते हो पूरा ब्लर हो गया। तो ऐसे दोस्तों आप लोग ब्लर कर सकते हो कोई भी चीजों को। दोस्तों अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टूल के बारे में बताऊंगा जो कि काइनमास्टर के अंदर है, जिसके माध्यम से आप कुछ ऐसा एनिमेशन बना सकते हो, मतलब ऐसा जो कि आप लोग देख रहे हो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये सारे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने वीडियो के अंदर। तो ये जो इमोजी देख रहे हो ना, इसको अभी मैं आपको की फ्रेम करके दिखाऊंगा, एंड उसके बाद आप देखना कितना अच्छा लगता है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, बस आपको क्या करना है, देखो आप कोई भी चीज को अगर की फ्रेम करना चाहते हो तो गाइस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मेरे को सबसे पहले आना होगा। सबसे पहले आने के बाद यहाँ पे आप लोग नीचे देखो एक डॉट आ गया रेड का, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा हम आगे जाएंगे, हल्का सा यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे ना एक प्लस आइकन शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक प्लस आइकन शो हो गया, तो आपको इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे आगे लेके जाना है, उसके बाद आप जहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लेके गया, यहाँ पे एक रेड डॉट आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखो इमोजी के ऊपर, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे और भी आगे गया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको नीचे रख दिया, नीचे रख दिया तो देखो और एक डॉट आ गया। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे की फ्रेमिंग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लेके गया, यहाँ पे लेके गया तो यहाँ पे और एक डॉट हो गया, देन यहाँ से मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है, यहाँ पे और एक डॉट हो गया, एंड लास्ट में क्या किया, लास्ट में मैंने यहाँ पे लेके गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको की फ्रेम करना है, ठीक है, यहाँ पे देखो डॉट 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 हो गया। अब दोस्तों मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखना यार कितना अच्छा लगता है, वाओ देखो देखो यार कितना अच्छा लग रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग की फ्रेम कर सकते हो कोई भी चीजों को और अपने वीडियो को पूरा एंगेजिंग बना सकते हो। दोस्तों अगर मान लो आपका वीडियो के अंदर कहीं जगह वॉइस ठीक ठाक से नहीं आया और आप चाहते हो कि नहीं हम दोबारा उसको शूट नहीं करेंगे, तो गाइज आप लोग एक्स्ट्रा वॉइस दे सकते हो काइनमास्टर से। या फिर दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं फेस कैम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे वॉइस पर वीडियो बनाऊंगा, गेमिंग वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा वॉइस आप लोग दे सकते हो काइनमास्टर से। तो काफी ज्यादा सिंपल है, देखो यार काइनमास्टर के अंदर आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड का मिलेगा, तो आप लोग क्या करना है, जहां से आप लोग स्टार्ट करोगे, मान लो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा रिकॉर्ड करना, ठीक है, यहां पे मैं अपने आवाज देना शुरू करूंगा, तो आपको यहां पे आना होगा, एंड यहां पे देखो रिकॉर्ड के ऑप्शन, यहां पे क्लिक करके देन यहां पे देखो स्टार्ट की बटन, यहां पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो देखो यहां पे रिकॉर्ड होना चालू हो गया, देन आप लोग यहां पे जो भी आप लोग कहना चाहते हो तो आप लोग यहां पे कह देना, आपका जो वॉइस है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो देखो ये जो रेड देख रहे हो ना, यहां पे गाइस मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो गया, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो मेरा वॉइस यहां पे रिकॉर्ड हो गया। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग वॉइस ओवर कर सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप अपने
वीडियो के अंदर ग्रीन स्क्रीन लगाओगे। जैसे मैं अपने वीडियो के अंदर ग्रीन स्क्रीन लगाता हूँ लास्ट में कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, कुछ ऐसे शो होता है एक एनिमेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लगा सकते हो, एकदम काफी सिंपल है। आपको बस क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है यूट्यूब से ग्रीन स्क्रीन वीडियो जो भी आप लोग लगाना चाहते हो। तो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे देखो मीडिया का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके वो वाला ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग्स आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। थोड़ा सा अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा एक क्रोमा की, ये देखो क्रोमा की, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो एक एनिवल, इसको यहाँ पे ऑन कर देना, ठीक है। ऑन करने के बाद देखो पूरा ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे रिमूव हो गया। देन यहाँ से आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हो, तो कुछ ऐसे एडजस्ट करने के बाद आप लोग इसको कुछ ऐसे छोटा कर देना, ओके, कुछ ऐसे छोटा कर देना। तो देखो यार अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखना यार ग्रीन स्क्रीन शो होगा, देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, देन यहाँ पे बेल आइकन ऑन किया। तो आप लोग भी यार सब्सक्राइब कर दो यार, इतना मेहनत से मैं आपको सिखा रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन लगाने के बाद अगर आप चाहते हो कि आप अपने वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओगे, जैसे मैं अपने वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता हूँ, पीछे गुनगुन गुनगुन करता है, काफी अच्छा लगता है सुनने में, तो वो भी आप लोग लगा सकते हो काइट मास्टर से। आपको आना होगा ऑडियो के अंदर, यहाँ पे आने के बाद आपको करना है जो भी आप लोग लगाना चाहते हो बैकग्राउंड म्यूजिक। जैसे मान लो मैं इसको लगाऊंगा, इसको प्लस पे क्लिक कर दिया ये वाला म्यूजिक को, देन यहाँ पे देखो मेरा म्यूजिक यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपको ध्यान से ये जो म्यूजिक है ना इसका वॉल्यूम आपको कम करना है, क्योंकि अगर ये लाउड रहेगा और आप जो बोल रहे हो वो भी लाउड रहेगा तो पूरा कचरा लगेगा सुनने में। तो ये जो म्यूजिक है ना इसका म्यूजिक आपको एकदम लो करना है, एकदम लो। यहाँ पे देखो एक मिक्सर की ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। इस वॉल्यूम को आपको क्या करना है 30 या फिर 10 या ऐसे करके आपको रखना होगा, ठीक है। आप अपने वीडियो के हिसाब से रख सकते हो। अगर ऐसे करके रखोगे तो क्या होगा, पीछे गुनगुन गुनगुन करेगा, ठीक है, जो भी आप लोग बोलोगे पीछे गुनगुन गुनगुन करेगा, सुनने में काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों इस काइट मास्टर एप्लीकेशन के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है जिसके माध्यम से आप अपने वीडियो को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल बना सकते हो, जैसे नॉइज रिमूवर, उसके बाद यहाँ पे मैजिक रिमूवर, AI स्टाइल और भी गाइस यहाँ पे फीचर्स है जैसे वॉइस चेंजर। देन गाइस ये सारे टूल के माध्यम से आप अपने वीडियो को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, लेकिन ये सब मैंने आपको जस्ट यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि अगर बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो एक्सपोर्ट करना काफी ज्यादा सिंपल है। मान लो आपका वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट हो गया, अब आप कैसे सेव करोगे, देखो ध्यान से आपको ना यहाँ पे देखो ऊपर एक एरो के ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने देखो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स आ गया, यहाँ पे रेजोल्यूशन, यहाँ पे फ्रेम रेट। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 1080p आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेम रेट, इसको आप लोग क्या करना 60fps यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है, या फिर आप लोग 30fps कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको 30fps में रख दिया। और यहाँ पे देखो लो एंड हाई, इसको अगर आप लोग हाई करोगे तो आपका वीडियो का क्वालिटी काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, लेकिन आपका वीडियो का जो MB होता है ना डेटा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको आप लोग मीडियम रख के देन यहाँ पे देखो सेव एज वीडियो यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो स्किप का बटन यहाँ पे क्लिक कर देना, तो आपका वीडियो यहाँ पे सेव होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे टेक्निकल वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।